Good morning, dear students. Today I am going to describe your chapter number two of your English grammar book, New Grammar Magic of 8th grade. Just open your chapter number two, Verbs. Clear? The verb as we know is the most important part of a sentence in fact we cannot have a sentence without a verb. Firstly tell me what is verb? Verb is an action word in which we come to know that what the person and thing is doing. Verb tell us what a person does what a person is and what a person has clear verb tell us okay? as i told you verb is an action word jab bhi aap verb lagaoge, usme action definitely aayega about the, the person what the person does what the person is and the, what the person has just have a look on example kapil drives the car to his office kapil is a tall man कपिल हैज़ अ रेड कार सो जहाँ पे वो ड्राइव्स कर रहा है एक्शन कपिल इज अ टॉल मैन ठीक है वो बहुत लंबा आदमी है हैज़ अ रेड कार उसके पास क्या है रेड कार है दीज आर वर्ब्स रेदर अ दिस काइंड ऑफ़ वर्ब रेदर हेल्पिंग वर्ब दिज आर कंटेनिंग एज अ वर्ब लेट्स हैव अ लुक ऑन द काइंड ऑफ वर्ब्स ट्रांजेक्टिव एंड इन ट्रांजेक्टिव वर्ब्स क्लियर दे आर आल्सो टू मोर टाइप्स आर देयर फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्बस बट फर्स्टली वी हैव टू हैव अ लुक ऑन ट्रांजिक्टिव वेन वी फॉर्म अ सेंटेंस इट यूजली हैज़ अ सब्जेक्ट फॉलोड बाई अ वर्ब सम सन्टेंसिज हैव एन ऑब्जेक्ट वीहाइड समू नॉट क्लियर मीन्स कुछ सेंटेंसेज में आपको सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के द्वारा, द्वारा फॉलो किया जाता है और कुछ में नहीं होता सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिक्टिव एंड इन ट्रांजिक्टिव लेट्स हैव अ लुक दोज वर्ब दैट आर फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजेक्टिव वर्ब ठीक है जो वर्ब्स हैं वो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो की जाती हैं फॉलोड बाई एंड ऑब्जेक्ट उनको ट्रांजेक्टिव वर्ब बोलते हैं जैसे ये देखो द पुलिस मैन चेज द थीफ द पुलिस मैन चेज द थीफ है वर्ब इज चेज एंड ऑब्जेक्ट क्या है थीफ क्लियर तो यहाँ पे जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो की जा रही है सो दिस इज वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर देम मीरा गेव मी अ पेन ठीक है अब यहाँ पे कौन सा आ गया इनडायरेक्ट आ गया गेव मी अ पेन गेव वर्ब है मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोज वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर दैम नॉन एज इंट्रांजेक्टिव क्लियर जिस वर्ब के पीछे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी उसको ट्रांजेक्टिव वर्ब बोलते हैं एंड दो सब्जेक्ट आर ए वर्ब है डू नॉट नीड द ऑब्जेक्ट दे हैव इंट्रांजेक्टिव वर्ब्स क्लियर जिनके पीछे हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है वो इनट्रांजेक्टिव वर्ब होती है द ड बाउडली क्लियर द ड बाउडली डोक बार्क कर रहा है पर किस पे कर रहा है वी डोंट नो So this is intransitive verb. I hope you clear those verbs followed by object that are transitive. Those verbs do not followed by object that are intransitive. Clear? Let's have a look on this exercise. Underline the verbs and mention whether they are transitive or intransitive. Clear? This already you done in your written assignment. The boy cries a lot. ठीक है बॉय क्राई कर रहा है पर किस चीज के लिए क्राई कर रहा है वी डोंट नो सो दिस इज़ इंट्रांजिक्टिव नेक्स्ट मदर बॉट अ न्यू डिक्शनरी फॉर राजन दिस इज़ ट्रांजिक्टिव मदर ने डिक्शनरी खरीदी है किसके लिए खरीदी है राजन के लिए सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट द डॉक्टर इज अराइविंग एनी टाइम सून क्लियर दिस इज इंट्रांजिक्टिव हमें मैंशन नहीं है अजय इज प्लेइंग एज द कैप्टन ऑफ द टीम वॉट इज दैट इन ट्रांजिक्टिव समन बेगड अ केक फॉर हर ब्रदर ट्रांजिकटिव मधु एट अ लोट ऑफ चॉकलेट्स टूडे क्लियर यहाँ पे कौन सी आएगी मधु के लिए ट्रांजिक्टिव उसने बहुत सारे क्या खाए हैं चॉकलेट खाए हैं कब खाए हैं आज खाए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस द बुक इज अ गिफ्ट फ्रॉम हरी ट्रांजिक्टिव वर्ब द प्रिंसिपल वेलकम्ड द न्यू स्टूडेंट्स transitive verb clear which sentences followed by object that are transitive which not followed by object these are intransitive let's have a look on finite and not finite verbs this one this topic i also told you in the class so many times let's revise again based on whether a Verb changes when the subject or tense of a sentence changes. It can be classified as a finite or as a non-finite verb. This is just a line. They want to tell that according to changing of the subject. We have to clarify that this is finite verb or non-finite verb. Clear? Now this is you can see v one v1, v2. एंड हैल्पिंग वर्ब ठीक है फॉर एग्जाम्पल चित्रा सिंग्स नेशनल एनथम ड्यूरिंग द असेंबली चित्रा सिंग द नेशनल एनथम ड्यूरिंग द असेंबली चित्रा विल सिंघ द नेशनल एंथम ड्यूरिंग द असेंबली बच हैव यू क्लियर समथिंग इन द्री सेंटेंसिज वर्ब इज विच दैट सिंग कलियर और जो सिंग सिंग है सिंग्स

chitra and mira sing the national anthem during the ensemble there is third person plural in the above examples the verb sing changed when we change the subject of a sentence so the verbs in all sentences given above therefore are finite verbs i hope you clear in which verb is change according to subject is change so that is called finite verb if the verb is subject is change verb is also change see here is a simple present tense then simple past tense then simple future so according to verb is changing so that is called clear finite verb let's look on another example chitra looks to sing the national anthem during the assembly chitra loved to sing national anthem during the assembly chitra and mira love to sing the national anthem during the assembly i love to sing the national anthem during the assembly now what is that these are non finite verbs in short if i tell you what is that in all the subjects the words to sing did not change irrespective to of the tense or subject clear matlab फिनाइट में आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी नॉन फिनाइट में आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी सो दिस इज़ नॉन फिनाइट वर्ब्स जस्ट हैव अ लुक दिस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न इट दैट सच वर्ब्स आर नोन एज नॉन फिनाइट वर्ब्स आर एंड आर द थ्री टाइप्स ठीक है इन्फिनेटिवस आई टोल्ड यू इन द क्लास टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज आई स्पीक इन द क्लास टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म सो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिवस ठीक है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल्डि इन्फिनेटिवस पार्टिसिपल्स आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड थर्ड फॉर्म दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स आई टोल्ड यू पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल्स दे आर डिफरेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीकिंग डांसिंग वॉकिंग स्पोकन स्टोलन रिटर्न क्लियर दिस इज प्रेजेंट दिस इज पास्ट जीनट्स दिस वन सेम इज स्पीकिंग डांसिंग वॉकिंग ठीक है दिज आर कम ऑन द नॉन फिनाइट वर्ब्स क्लियर जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एक्सरसाइज सर्कल द फिनाइट क्लियर सर्कल द फिनाइट वर्ब्स एंड अंडरलाइन द नॉन फिनाइट वर्ब्स ओके वॉकिंग क्या है नॉन फिनाइट है वॉकिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वॉकिंग इज अ नॉन फिनाइट वर्ब शी लवस टू प्ले बास्केटबॉल इन हर स्पेयर टाइम लव्स कौन सी है फिनाइट है टू प्ले नॉन फिनाइट है द स्टोलन गुड्स वर रिकवर्ड बाय द पुलिस ठीक है रिकवर्ड कौन सी है फिनाइट वर्ब है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगी जो स्टोलन है वो नॉन फिनाइट वर्ब है वनी एंड मनी आर द न्यू सिंगिंग सेंसेशन ठीक है यहाँ पे कौन सा आया आर आर इज़ अ फिनाइट वर्ब एंड सिंगिंग इज अ नॉन फिनाइट वर्ब टू स्पीक द ट्रूथ इपेक्टिवली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ठीक है टेक्स क्या है फिनाइट वर्ब है और टू स्पीक कौन सी है नॉन फिनाइट वर्ब आई होप यू एवरीबडी क्लियर मूव और नेक्स्ट पेज सेम इन दिस चैप्टर नाओ वट यू गॉट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्टली वी वट वी हैव टू कंडक्ट ट्रांजेक्टिव इन ट्रांजेक्टिव वर्ब फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब बट नाओ सेम इन दिस चैप्टर वट यू गॉट यू गॉट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है

Onions and potatoes are root vegetables. Onions and potatoes both are plural subject. So we will place plural verb. Okay? This thing I also told you in the class plural with plural, singular with singular. If you have a plural subject, then you have to place the plural verb. Next, we use a singular verb when two or many singular nouns or pronouns are connected by or or nor. मिताली और विराल इज बेकिंग अ केक टुडे क्लियर वो दोनों क्या कर रहे हैं इज बेकिंग अ केक टुडे सो दिस इज अ अच इज दैट दिस इज अ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब वुई यूज अ सिंगुलर वर्ब विद द वर्ड्स ठीक है ये भी मैंने आपको क्लियर किया हो क्लास में ईच एवरीबडी एवरी वन एनी बडी सम बडी न बडी एनी वन दीज आर कंटेन अ सिंगुलर दीज आर कंटेन दीज वर्ड्स आर कंटेन सिंगुलर वर्ब इज ईच ऑफ द सोल्जर्स इज हाईली ट्रेंड इन कॉम्पैक्ट क्लियर दीज आर सो मैनी वर्ड्स विच यू हैव टू ऑल्सो रीड इन दीज वर्ड्स वी ऑलवेज प्लेस अ सिंगुलर Verb. We use a plural verb with nouns such as scissors, tweezers, trousers, swears. There are two parts of the things. So we have to put R. These swears are really big. Clear plural with plural. A collective noun. You very well know about the collective noun. And in first chapter, I told you what is collective noun. So in collective noun, either a singular or a plural verb depending on the कंटेक्सट इट इज अ सिंगुलर वर्ब वैन द नाउन इज कंसीडर सिंगल ठीक है जब आपको नाउन सिंगल कंसीडर होगा आपने सिंगल लगाना है जब आपको कलेक्टिव नाउन सिंगल कंसीडर नहीं होगा इंडिविजुअली कंसीडर होगा तब आपने प्लूरल वर्ब लगानी है द कोर ऑफ सिंगर्स इज वेरी मिलोडियस यहाँ पे हमने ग्रुप ले लिया है कोर ऑफ सिंगर्स तो इज आएगा इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब वैन द कंपोनेंट्स ऑफ नाउन आर कंटेंसली इंडिविजुअल ओके सी एग्जाम्पल इज दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिवाइड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन टू द रिफॉर्म्स इज इट क्लियर जहाँ पे अब हमने इंडिविजुअली उनको लिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर जितने पर्सन हैं द कमेटी द कमेटी हैव इशूड इंडिविजुअल डिसेंटिंग नोट ठीक है कमेटी में जितने पर्सन थे इंडिविजुअली उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स प्रेजेंट किए इशू किए हैं ठीक है सो क्लियर so, जब आप ग्रुप में ग्रुप में डाउन देखोगे कि वो सिंगल है लाइक एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं हर्ड ठीक है ना द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लाइक दैट देन यू हैव टू प्लेस सिंगल इफ दे शो द इंडिविजुअल देन प्लेस प्लूरल वो यूज अ सिंगुलर वर्ब विद द वर्ड्स लाइक नीदर नोर ईदर और ठीक है आपने इन ईधर नोर और नीदर नोर मैंने आपको बताया हुआ है नीदर नोर यूज़ होता है ना ही ना ही के लिए और इधर होता है या तो इसने किया है या मैंने किया है तो इन दोनों के साथ कौन सी वर्ब प्लेस होगी सिंगुलर इज़ नीदर द मदर नोर द ग्रैंड मदर इज़ एज टैलेंटेड इन म्यूज़िक एज विनीता ठीक है क्लियर वेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट बाई एज वेल एज विद अलॉन्ग विद एग्रीज वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज प्रजेंट एट द एनअल डे प्रोग्राम क्लियर जब आपने एज वेल एज विद अलॉन्ग ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं तो आपने उनके साथ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लगानी है बट बी केयरफुल इन दिस सेंटेंस द चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो दैट्स वाई वी हैव टू प्लेस वॉज बट इफ द देर इज नॉट चाइल्ड इन प्लेस ऑफ देर इज चिल्ड्रन एज वेल एज देर पेरेंट्स दैन यू हैव टू पुट वर हैव यू क्लियर दिस पॉइंट बेटा सी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है सिंगुलर है तो हमने एज वेल एज किया तो सिंगुलर वर्ब आएगी अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है विद एज वेल एज देन वी हैव टू प्लेस वर इन दिस सेंटेंस द चिल्ड्रन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट हैंस द सब्जेक्ट वर इज आल्सो प्लूरल दिस थिंग आई टोल्ड यू इफ द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नाउन वट वट इज प्रॉपर नाउन एज आई टोल्ड यू द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन सो वो बोल रहे हैं इफ़ अ प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम दे इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब दिस इज कॉमन सेंस आप किसी का नेम लोगे तो डेफिनेटली दिट इट वॉज अ सिंगुलर लिटल वोमेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक क्लियर लिटल वोमेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक जब आप किसी प्रॉपर नाउन को लोगे तो आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा with words that indicate proportions presents fractions parts majority sum noun remainder jab aap kuch proportions me loge fractions me loge mathematically things me kuch loge determine whether the then you have to put the Use singular and plural verb according to the subject. If the object of the preposition is singular, use a singular verb. If the object of the preposition is plural, then use a plural verb. This rule I told you before uh, uh, starting of the subject verb agreement. According to subject, you have to put the helping verb or verb. Clear? Subject is plural, verb is plural, subject is singular, verb is singular.

प्रपोजिशन इज सिंगुलर ठीक है अब तो आप सिंगल वर्ब लगाओगे अगर आपकी प्रपोजिशन प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है तो आपने वहाँ पे प्लुरल वर्ब लगानी है आई होप दिस पेज यू हैव टू क्लियर रीड इट वेरी केयरफुली एट होम लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑन द एक्सरसाइज विच आई ऑलरेडी सेंट यू ओके फर्स्ट either the doctor in this hospital or a relative of the patient dash going to make a decision ठीक है क्या put किया था हमने यहाँ पे is either or में हम singular लगाएंगे some of the notes dash to have been forged यहाँ पे क्या आएगा some of the notes आया ना तो seem आएगा the floods that affected the his this country

दे आर डैश टू बी सम पीपल लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड हु डू नॉट ऑन अ मोबाइल फोन हैव सम ऑफ द गेन डैश टू बी कंटेमिनेट अपीयर सम ऑफ द ग्रेन जो है वो क्या क्या हो गया है कंटेमिनेट हो चुका है थ्री थ्री क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अंगेज द ट्यूशन हाइक आर थ्री क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉडी नाउ यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स की बात की थी जहां हम बॉडी की बात कर रहे हैं सो हेयर इज ईज अंगेज द टूशन हाईक हाई परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अपीयरिंग फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आर क्लियर हेयर इन ऑलम फिलिंग द ब्लैंक्स यू गॉट अंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब one more exercise in your book rewrite the sentences after correcting them the players comma as well as the coach was ठीक है हमने यहाँ पे किसको ठीक करके लिखना है वाज को क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल ऑल द सेंटेंस इज सेम जस्ट आई अंडरलाइन दैट वर्ड यू हैव टू चेंज वर्ड अगेन आर एवरीबडी नो इज़ एवरीबडी सो हमने पहले इस रूल्स में हमने रूल्स में क्लियर किया है ईच एवरीबडी समबडी एवरी वन वी हैव टू मैंशन विद अ सिंगुलर वर्ब सो इज़ आर की जगह आप क्या पुट करोगे इज इन नेक्स्ट सेंटेंस विच स्टूडेंट्स हैज़ रीड स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल है एंड जो जॉर्ज एलडिट्स द मिल ऑफ द फ्लोर्स बिफोर ठीक है हम पहले पुराने समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पे हम हैड पुट करेंगे बिकॉज़ ये पुराने समय की बात कर रहे हैं दिक्षा टुगेदर विद हर टीममेट्स प्रेजेंट ठीक है अभी हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं दिक्षा टुगेदर विद हर दिक्षा क्या है सिंगुलर वर्ब है सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है सो दैट्स व्हाय वी हैव टू पुट प्रेजेंट्स इधर यूजली डू यहाँ पे हमने इधर और आ गया तो यहाँ पे डज लगेगा डू की जगह पर हम डज प्लेस करेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग अ सिंगुलर पर्सन द प्लेन हैव द प्लेन अलॉन्ग विद इट्स क्र्यू पैसेंजर्स हैव क्रैश लैंडर्ड ठीक है हैव की जगह अब यहाँ पे क्या आएगा हैज़ क्योंकि हम प्लेन को सब्जेक्ट ले रहे हैं प्लेन कितने हाउ मैनी प्लेन्स आर देयर ओनली वन सो वी हैव टू प्लेस हैज़ ट्वेंटी किलोमीटर्स अगेन आर ट्वेंटी वी आर टेकिंग ए ट्वेंटी सो लॉन्ग डिस्टेंस आर की जगह पे क्या आएगा इज दैब भी लॉन्ग विद टू ऑफ हर फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू रन ऑन द मैराथन ठीक है अब आप हम किसको चेंज करेंगे हैव को चेंज करेंगे बिकॉज देयर इज अ वर्ड इज दैट अलोंग अलॉग विद दो यहाँ पे हमें क्या मिला है सिंगुलर सब्जेक्ट मिला है सिंगुलर अगेन सिंगुलर वर्ब मम्प्स मम्स इज एक क्या है डिसीज़ है तो हमने आपने इसकी एस पे नहीं जाना आपने इसकी नेम पे जाना है इसकी सब्जेक्ट पर जाना है तो दैट इज मम्स मम्स इज़ अ टेरेबल डिसीज नॉट आर ग्रैंड मार स्पेक्टल्स इज ना वट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्टे स्पेक्टल्स के बारे में बात कर... स्पेक्टिकल इज़ हैंड मेड इन जपान ठीक है नाउ हम उनकी इसकी ग्रैंड माज ग्रैंड माज पोस्ट ऑफ येस्ट हेयर इज अ आर ठीक है हम उनकी स्पैक्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो उसके बारे में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे दैट इज आर डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस चैप्टर यू हैव टू क्लियर प्लीज़ रीड द डेफिनेशन वेरी केयरफुली ट्रांजिक्टिव इन ट्रांजिक्टिव फिनाइट नॉन फिनाइट एंड दिस पेज आल्सो Try to read it at home and revise it on your rough notebook. Thank you. Have a nice day.